आपके साथ सृष्टि जैन। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। कोरोना वायरस का यह नया वेरिएंट तेजी के साथ पैर पसार रहा है। देश में अब ओमिक्रॉन के मामले की संख्या 200 के पार हो चुकी है। बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य अब पाबंदियां लगा रहे हैं। बुधवार को दिल्ली सरकार ने क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगा दी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से ये आदेश जारी किए गए हैं कि क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो, इसको लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही जिले की प्रतिदिन की रिपोर्ट बनाकर मुख्य सचिव को भेजने के आदेश भी जारी किए गए हैं। इधर हरियाणा सरकार भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क हो गई है और अब दिल्ली के बाद हरियाणा में भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। हरियाणा सरकार ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वालों पर सरकार सख्त होगी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों के लिए बस, रेलवे स्टेशन, होटल और मॉल्स जैसे सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश के लिए पाबंदी लगाई है। ये पाबंदियां 1 जनवरी से लागू होंगी। इधर पंजाब सरकार भी कोरोना के नए स्वरूप को लेकर चिंतित दिखी। तेजी से बढ़ते वायरस को देखते हुए पंजाब सरकार ने बुधवार को सख्त आदेश दिए। सरकार ने कहा कि अब राज्य कर्मियों को बिना टीकाकरण प्रमाण पत्र के वेतन नहीं दिया जाएगा। बता दें, देश में ओमिक्रॉन का पहला मरीज 2 दिसंबर को सामने आया था और 20 दिन बाद इसकी संख्या 235 से पार हो गई। इस बीच क्रिसमस और न्यू ईयर के कारण भीड़ जुटने का खतरा बढ़ गया है। यही कारण है कि केंद्र सरकार की चिट्ठी मिलने के बाद राज्यों ने पाबंदियों पर काम करना शुरू कर दिया। कर्नाटक, गोवा, मुंबई जैसे कई स्थानों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्शन में आ गए हैं। पीएम मोदी आज स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। बैठक का मुख्य एजेंडा देश में तेजी से पैर पसारता ओमिक्रॉन है। यह आशंका जताई जा रही है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते केस ही देश में तीसरी लहर का कारण बन सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे।